Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker. And guys, my name is Chirag Chopra. My full introduction is now on your screen. So guys, this is my story. Now, if you talk about your story, so guys, if you are the SBI PO, SBI clerk, or any other banking and insurance examination preparation, then you all have a very good news for us. Guys, for your preparation, we have started a new series which is called Champion Series. और इस सीरीज में हम प्रीलिम्स में आने वाले तीनों ही सेक्शंस दैट इज इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग इनके हर वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो भी एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं दैट मींस कि इस सीरीज में हम ओल्ड पैटर्न के सारे क्वेश्चंस करेंगे और उसी के साथ-साथ नए पैटर्न के भी क्वेश्चंस और नए पैटर्न के भी टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे जो भी हमें लगता है कि इस बार के एग्जामिनेशन में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है तो अगर आप इस बार की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं चालू कर दी है तो भाई इस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलें किसी भी सेशन को किसी भी क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें सो गाइस अगर इस सीरीज की बात करें तो आज है इसका पार्ट नंबर 16 दैट इज क्लास नंबर 16 15 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें हमने तीनों सेक्शंस दैट इज इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस बार-बार रिपीट करी हैं तो अगर अभी तक उन 15 क्लासेस में से किसी को भी मिस करा है तो क्लास को जरूर देखो इस पूरी सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना के मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है उस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर एक बार देख लें और अगर दूसरी गुड न्यूज़ की बात करें तो दूसरी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए यह है कि इस सीरीज का हर क्लास हम डायरेक्टली अपने YouTube चैनल पे ही अपलोड करते रहेंगे दैट मींस आपका जब भी पढ़ने का मन करे आप द अल्फा बैंकर को खोलिए चैंपियन सीरीज की प्लेलिस्ट पे जाइए और बार-बार अपनी प्रिपरेशन में और इंप्रूवमेंट लाते रहिए एंड दैट टू सब कुछ रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा यहां पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो ठीक है गाइस गाइस अगर आज की क्लास की बात करें तो आज हम देखने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के दो अलग-अलग टाइप के सेट्स पहला रहेगा टेबुलर डीआई दूसरा रहेगा केसलेट डीआई फाइन मतलब आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं सो गाइस आगे चलने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प मिल सके और प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल सके फाइन और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना सबसे पहले ठीक है गाइस तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अपना टेबुलर डीआई सो गाइस ये रहा हमारे सामने हमारा टेबुलर डीआई फाइन अब जब भी हम कोई क्वेश्चन चालू करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनके डायरेक्शंस तो यहां डायरेक्शंस देख लो डायरेक्शन 1 टू 5 स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन ये टेबल में हमें क्या-क्या गिवन है भाई नीचे की लाइन में लिखा है नंबर ऑफ टोटल कार पेट्रोल प्लस डीजल ऑफ 5 डिफरेंट शोरूम्स एंड परसेंटेज ऑफ डीजल कार ऑफ रिस्पेक्टिव शोरूम्स आर गिवन इस लाइन का क्या मतलब है कि भाई ये टेबल हमको तीन चीजें दे रही है सबसे पहले दे रही है शोरूम के नाम भाई पांच टोटल शोरूम है ए बी सी डी ई टोटल पांच शोरूम है हमारे पास उन पांच शोरूम में टोटल नंबर ऑफ कार्स हमें गिवन है ये टोटल नंबर ऑफ कार्स है पेट्रोल प्लस डीजल मतलब ये जो 150 नंबर की कार है शोरूम ए में इसमें कुछ पेट्रोल कार्स होंगी और कुछ डीजल कार होंगी ठीक ऐसे ही शोरूम बी में सी में डी में और ई में मतलब इन सब में पेट्रोल प्लस डीजल के टोटल नंबर ऑफ कार्स दिए हैं और थर्ड कॉलम में क्या है भाई थर्ड कॉलम में हमें दिया है परसेंटेज ऑफ डीजल कार्स दैट मींस ये टोटल नंबर ऑफ कार्स में से परसेंटेज ऑफ डीजल कार कितने हैं वो हमें गिवन है अपने थर्ड कॉलम में फाइन और इस थर्ड कॉलम की मदद से हम टोटल नंबर ऑफ डीजल कार निकाल लेंगे सबसे पहले और डीजल कार निकालने के बाद उसको टोटल नंबर ऑफ कार में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स ठीक है इजी लग रहा है अभी तक इजी लग रहा है बट अब इजी नहीं लगेगा जैसे ही इसके परसेंटेजेस को देख लोगे भाई सबसे पहला शोरूम ए में परसेंटेज ऑफ डीजल कार कितना है 33.33% ठीक है उतना मुश्किल नहीं है सेकंड देखो 40% बहुत इजी है थर्ड देखो 28.57% अब भाई जैसे ही ये वाला परसेंटेज देख लिया बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे कि इस वाले डेटा इंटरप्रिटेशन को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं ठीक और शोरूम डी में देखो वो है 56.25 ये तो और भयानक परसेंटेज है इस पे और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और फाइनली आ गया 37.5 अगेन इसमें कंफ्यूजन इसका मतलब क्या है पर इस वाले डेटा इंटरप्रिटेशन को अटेम्प्ट करना बहुत ट्रिकी हो जाएगा उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक भी द अल्फा बैंकर का चैंपियन सीरीज का एक भी पार्ट मिस करा है बिकॉज उस हर पार्ट में मैंने बार-बार आप लोगों को एक ही चीज बताई है कि आपको एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है बहुत अच्छे से याद रखना है और उसका नाम क्या है वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन अगर ये कन्वर्जन नहीं आता है आप लोगों को तो ये क्वेश्चन आप कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और इस क्वेश्चन को देख के हमेशा नर्वस ही रहोगे और अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आता है
तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके अंदर आ जाएंगे चार चांद, आपकी आंखों में सितारे जल जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए ही फ्रेम करा गया है, आप लोग इसको एक झट में अटेम्प्ट कर लोगे। कैसे करोगे ये देखो भाई, अगर आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आता हो तो भाई 33.33% क्या होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, भाई 33.33% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन होता है 1/3। इसका क्या मतलब है कि आउट ऑफ टोटल 150 कार्स, भाई टोटल शोरूम ए में है 150 कार, इन टोटल कार में से 1/3 ऑफ द कार्स आर डीजल कार, बाकी बची हुई कार कितनी हुई, बाकी बची हुई कार हो गई 2/3। ये 2/3 कार क्या हो गई, ये हो गई पेट्रोल कार। सही है, अभी तक मक्खन वाली अप्रोच चल रही है हमारी, बहुत सिंपल अप्रोच चल रही है। तो अगर शोरूम ए में आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ डीजल कार कितनी होंगी, भाई शोरूम ए की बात करें तो नंबर ऑफ डीजल कार यहां लिखो, नंबर ऑफ पेट्रोल कार यहां लिखो, भाई 150/3 कर दोगे तो आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ डीजल कार, भाई 150/3, इसको डायरेक्टली कट करो, ये हो जाएगा 50। फाइन, इसका मतलब शोरूम ए में टोटल नंबर ऑफ डीजल कार हो गई 50, डीजल कार 50 हो गई, तो पेट्रोल कार कितनी हो गई, 150-50, मतलब पेट्रोल कार आ गए मेरे पास सीधा सपाट 100, पेट्रोल कार 100 है, डीजल कार 50 है, टोटल कार 150 है। ठीक, फाइन, मतलब शोरूम ए का हमें दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो यहां हमें एक बाइफर्केशन मिल गया डीजल कार का और पेट्रोल कार का। फाइन, शोरूम बी में देखो भाई, शोरूम बी में है टोटल 40% डीजल का, 40% डीजल कार का मतलब क्या है भाई, 190 × 40/100 कर दो डीजल कार के लिए, भाई डीजल कार कैसे आएंगी, भाई टोटल है 40%, 40% का मतलब 40/100, और किसका 40% है, ये है 190 का 40%, भाई जीरो से जीरो कट करो, ये एक दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो कट करो, डीजल कार कितनी हो गई 4 × 19 होता है एग्जैक्ट आपका 76, मतलब टोटल नंबर ऑफ डीजल कार्स हो गई यहां पे 76, डीजल कार आ गई 76, तो पेट्रोल कार कितनी हो गई 190-76, मतलब 114 या फिर 114। ठीक है भाई, मतलब हमें शोरूम बी में भी अपने डीजल और पेट्रोल कार का बाइफर्केशन मिल गया। फाइन, शोरूम सी देखो भाई, शोरूम सी में टोटल नंबर ऑफ कार्स दिए हैं 210, बट यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है कि यहाँ पे परसेंटेज बहुत भयानक टाइप का हमें दे दिया है, वो है 28.57%। अब अगर इस परसेंट की बात करो गाइज, मैंने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के 10,000 बार ये बात बताई है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद कर लोगे, और जिन बच्चों ने इसको याद करा होगा वो एक बार में बता देंगे कि 28.57 कितना होता है, वो होता है 2/7। कैसे भाई, फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर आपको कन्वर्जन याद हो तो 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%। ठीक है, और 14.28% का डबल ही तो ये लिखा है 28.57%, तो अगर 1/7 की वैल्यू है 14.28%, तो 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 28.57%। इसका मतलब 210 कार में से 2/7 है डीजल कार, भाई मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 210 का, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास टोटल डीजल कार की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, भाई ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, कट करो ये हो गया 30, 2 × 30 कितना हो गया, डीजल कार आ गई मेरे पास टोटल 60, मतलब आउट ऑफ टोटल 210 कार 60 कार हमारे पास डीजल कार है, 60 कार डीजल कार है, तो बाकी बची हुई पेट्रोल हो गई, और बची हुई कार कितनी हो गई 210-60, वो आ गया 150, तो डीजल कार हो गई 60, पेट्रोल कार हो गई 150। यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन ने बहुत ज्यादा मदद करी है हमारी ये फाइंड करने में। फाइन, अब यहाँ पे हम लगातार सबकी वैल्यू क्यों फाइंड करते जा रहे हैं, बिकॉज हम स्टार्टिंग में ही सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर एक मिनट के अंदर अंदर मार्क कर देंगे। तो भाई शोरूम डी देखो, शोरूम डी में टोटल नंबर ऑफ कार्स है 160, परसेंटेज दिया है 56.25%। अब देखो भाई, जब भी 0.25% या 0.5% टाइप की चीज हो ना, तो हमेशा याद रखना ये 1/2 की पावर समथिंग होगा। फाइन, अब देखो यहां पे 160 गिवन है, समझो 160 गिवन है, तो ये चीज भी आपको समझ आएगी कि 2 की पावर ही होगा, तभी तो कट होगा भाई। 2 की पावर अगर मैं मैक्सिमम जाऊंगा 16 या 32, वो सबके सब 160 को एग्जैक्टली कट करेंगे, तो हमें ऐसा ही नंबर चाहिए जो 160 को एग्जैक्टली कट करे। फाइन, पर अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि 56.25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। तो भाई अगर आपको यहाँ पे भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन पता होता तो आप एक बार में मुझे बता देते कि इसकी वैल्यू है 9/16। 9/16 कैसे गेस करोगे ये बताओ मुझे। भाई देखो, 1/16 की फ्रैक्शन टर्म में वैल्यू कितनी होती है, भाई गेस करके बताओ, कैलकुलेटर उठाओ और इसको सॉल्व करो,
1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में हम कितना बोलेंगे? भाई 1/16 की परसेंटेज टर्म में वैल्यू होती है 6.25%. फाइन, 6.25% वैल्यू होती है 1/16 की. तो 9/16 की वैल्यू कितनी होगी? इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से. इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 56.25. अब आप लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि गाइस ये इतनी जल्दी मैंने कैसे निकाल लिया. अब देखो, यहां आपको ऐसा लग रहा होगा कि हो सकता मैं ये याद करके आया हूं या मैं अपने नोट्स देखकर आ रहा हूं. गाइस, मार्क माय वर्ड्स कि अगर आपकी ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की प्रैक्टिस होगी ना अच्छे से, ये चीज आपको अपनी आंखों के सामने दिखने लगेगी कि 56.25 का मतलब 9/16 होता है या 28.57 का मतलब 2/7 होता है, जो अभी तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. ठीक है, तो भाई 56.25 की वैल्यू है 9/16, जो कि आपको याद करनी पड़ेगी बिकॉज आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन को याद करना पड़ेगा. अगर वो याद कर लोगे तो ये चीजें आपको बाय पिक्चर अपनी आंखों के सामने दिखने लग जाएगा. ठीक भाई, 9/16 है टोटल डीजल कार्स, टोटल कार्स है 160, डिवाइड कर दो ये हो गया 10 टाइम्स, तो 9 × 10 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ डीजल कार्स आ गई शोरूम डी में टोटल 90, दैट इज 90. टोटल नंबर ऑफ डीजल कार है 90, टोटल नंबर ऑफ कार्स है 160, तो टोटल पेट्रोल कार कितनी आएगी, 160 - 90 कितना होता है जल्दी बताओ, ये होता है 70. टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार आ गई मेरे पास टोटल 70. ठीक, अभी तक चीजें समझ आ रही हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, ये बात याद रखो, इन चीजों को बार बार अपने पास लिखते रहो. बहुत बढ़िया, फाइनली अब आप आ गए हैं अपने आखिरी शोरूम पे, दैट इज शोरूम नंबर ई. शोरूम ई में टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है, वो है 240. इन 240 में डीजल कार का परसेंटेज कितना है, 37.5%. अब गाइस 37.5% बहुत इजी होता है, ये होता है 3/8. अब आप बोलोगे कि 3/8 मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया, 1/8 परसेंटेज की वैल्यू होती है 12.5%, और ये 12.5% इंटू 3 ही लिखा है, 12.5% का ट्रिपल होता है 37.5, तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, तो 37.5% क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/8. आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी. अब 3/8 है टोटल नंबर ऑफ डीजल कार्स, कितने में से, वो है 240 में से, क्या करोगे, 240 को यहां करोगे गुणा, दैट इज मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दो, ये हो गया 30. बहुत बढ़िया, तो टोटल नंबर ऑफ डीजल कार कितनी आ गई, 3 × 30 दैट इज 90, दैट इज हिंदी में बोले तो 90. भाई टोटल नंबर ऑफ डीजल कार आ गई मेरे पास 90, टोटल नंबर ऑफ कार है 240, तो पेट्रोल कार कितनी आ जाएंगी, 240 में से 90 को माइनस करो, जल्दी जल्दी करो, और आ गया मेरे पास 150. दैट मींस कि अभी तक हमने अपने टोटल टेबल के हर शोरूम का बाइफकेशन कर लिया है, डीजल कार और पेट्रोल कार का. अब जल्दी से एक बढ़िया सा टेबल बना लेते हैं और जल्दी से फटाक से सारे क्वेश्चंस को देखते हैं. तो भाई यहां अपना क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. व्हाट इज द एवरेज नंबर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द पेट्रोल कार्स इन ऑल द शोरूम्स टुगेदर. भाई सारे शोरूम्स में टोटल पेट्रोल कार्स का एवरेज नंबर कितना है, हमें ये फाइंड करना है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सारे शोरूम की पेट्रोल कार्स को ऐड करना पड़ेगा और उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हमें एवरेज फाइंड करना है. भाई ये हमने अलग से एक टेबल बना लिया है, टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स का है वो है ये, ऐड कर लो जल्दी से 100, 114, 214, 214 और 150, 314, 314 + 50, 364, 364 + 70, ये हो गया 434, 434 + 150, ये हो गया 434, 534, 534 + 50, आ गया 584. तो टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार आ गई मेरे पास सारे शोरूम में मिला के 584. एवरेज फाइंड करना है, डिवाइड कर दो 5 से, जल्दी से आंसर फाइंड कर लो, ये आ गया 1. 8 को डिवाइड करो अगेन 1, वो हो गया 34, तो 7 मतलब अराउंड 117 के आसपास आंसर आ जाएगा. ऑप्शन में ढूंढो 117, ऑप्शन ई मार्क करो और मूव कर जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर. भाई जल्दी से मैंने ऐड करा है, इसको बोलते हैं स्पीड कैलकुलेशन, स्पीड एडिशन. अगर ये नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या बेसिक कैलकुलेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना बहुत इजी हो जाता है. फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 देखें. व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन ए एंड सी टुगेदर एंड द डीजल कार इन ए एंड ई टुगेदर. ए और सी में पेट्रोल कार और डी एंड ई में डीजल कार का हमें डिफरेंस फाइंड करना है. भाई ए और सी में पेट्रोल कार उठा लो, 100 + 150, तो ये आ गया टोटल, इधर लिख लो 250, ए और सी की पेट्रोल कार, डी और ई की डीजल कार, 90 + 90 ये होता है 180. भाई 250 - 180 करो, ये होता है 70. ऑप्शन डी जल्दी से आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन. क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करेंगे अब. तो भाई क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं.
total number of petrol car in C is what percent more of diesel car in D? मतलब सी की जो पेट्रोल कार हैं वो डी की डीजल कार से कितने परसेंटेज ज्यादा हैं। मतलब जब भी अब हमें परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2/2 × 100। अब यहाँ पे 1 है हमारा फर्स्ट टर्म, 2 इज सेकेंड टर्म। मतलब यहाँ पे 1 क्या है, यहाँ पे 1 आएगा पेट्रोल कार इन सी, ये हो गया 1, और डीजल कार इन डी ये हो गया यहाँ पे 2। फाइन, तो भाई देख लो पेट्रोल कार इन सी कितनी है, वो है 150, डीजल कार इन डी है 90। तो अब हमें क्या करना है, परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए, परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 2/2 × 100। तो यहां लिख लो 100 छोटा छोटा सा, और यहाँ पे 90 से ये 100 का एक जीरो माइनस कर लो। तो भाई 150 - 90 कितना होता है, 150 - 90 हो गया यहाँ पे 60/9 × 10। तो भाई ये हो गया टोटल 600/9 लिख लो इसको। अब भाई ये किस नंबर से कट होगा, भाई ये 3 से दोनों कट हो रहे हैं, ये आएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 200 टाइम्स। 200/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, वो होता है 0.667। तो 200/3 कितना हो गया, ये हो जाएगा 66.667। ऑप्शन में ढूंढो भाई, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 66.667%, यही एग्जैक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन सी आर 66.66% मोर देन दैट ऑफ डीजल कार इन डी। मतलब डीजल कार जो डी में है दैट इज 90, उससे 66.667% ज्यादा है पेट्रोल कार इन सी, वो है 150। ठीक है, चीज समझ आ गई है, क्लियर हो गई होगी। अगर डाउट रहता है कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, टेलीग्राम चैनल हमेशा खुला है, व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, जहां चाहे वहां पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पेट्रोल कार ऑफ बी एंड डीजल कार ऑफ ई। भाई पेट्रोल कार ऑफ बी और डीजल कार ऑफ ई का रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, सब कुछ हमें ऑलरेडी पता है। पेट्रोल कार इन बी कितना है, 114, तो यहां लिख लो 114। रेशियो फाइंड करना है, मतलब डिवाइड करना है डीजल कार ई से, डीजल कार इन ई कितना है, यह है 90। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, 2 से डिवाइड करो दोनों को, ये जाएगा 57 टाइम्स, इसको करो ये जाएगा 45 टाइम्स। अब ये दोनों आगे किससे डिवाइड होंगे, भाई दोनों आगे 3 से और डिवाइड हो सकते हैं, ये हो जाएगा 15, इसको करो ये जाएगा 127, और ये जाएगा 19। भाई फाइनल हमारा बना है 19:15 रेशियो, ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन भी हमें मिल गया 19:15 रेशियो। आंसर मार्क करेंगे, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आज का अपना। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, टोटल पेट्रोल कार इन शोरूम ए सी एफ इज 370 एंड डीजल कार इन शोरूम बी डी एफ इज 220, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार इन शोरूम एफ। भाई शोरूम एफ में टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी हैं, ये हम कैसे निकालेंगे, भाई हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए प्लस सी प्लस एफ की वैल्यू है 370, दैट इज 370। अब यहाँ पे ये है टोटल पेट्रोल कार, अब पेट्रोल कार ए में कितनी है, वो है 100, सी में कितनी है, वो है 150। 100 प्लस 150 कितना होता है, वो होता है 250। मतलब टोटल पेट्रोल कार, यहाँ पे छोटा सा पी लिख लेते हैं, इन एफ शोरूम कितना हो गया, 370 माइनस 250, 370 माइनस 250 कितना हो गया, ये हो गया 120। दैट मीन शोरूम एफ में टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार आ गई मेरी 120। ओके, शोरूम बी प्लस डी प्लस एफ में डीजल कार कितनी है, वो है 220। तो भाई ये वाली इक्वेशन बनेगी हमारी, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ डीजल कार बी में और डी में कितनी है, ये हमें ऑलरेडी पता है, भाई बी में टोटल नंबर ऑफ डीजल कार है 76, डी में टोटल नंबर ऑफ डीजल कार है 90। 90 प्लस 76 कितना होता है, तो भाई 10 इधर दे दो, ये हो गया 100, 100 प्लस 66 ये हो गया 166। मतलब टोटल नंबर ऑफ डीजल कार, यहाँ छोटा सा डी लिख लो, इन शोरूम एफ कितना हो गया, 220 माइनस 166। अब भाई माइनस कैसे करोगे, भाई 220 का 20 ले लो, 66 माइनस 100 करो, ये हो गया 34, 34 प्लस 20 कितना होता है, 54। मतलब शोरूम एफ में टोटल नंबर ऑफ डीजल कार कितनी हो गई, 54। पेट्रोल कार कितनी थी, वो थी 120। मतलब टोटल नंबर ऑफ कार कितनी होंगी शोरूम एफ में, अब क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा है, भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार इन शोरूम एफ, कितनी होंगी, 120 प्लस 54, 120 प्लस 54 कितना हो गया, 174। ऑप्शन में ढूंढो, सबसे पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 174। मार्क करो और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां तक हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया,
अब आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को इस सेट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। आप लोगों को यह समझ आया होगा कि अगर ये कन्वर्जन आपको याद होंगे तो इतना मुश्किल, इतना भयानक दिखने वाला क्वेश्चन भी कितना ईजी हो जाता है और कितना ईजिली सॉल्व भी हो जाता है। फाइन, तो यहां हमारा सेट वन कंप्लीट हो गया। अगर स्टिल कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे क्लियर आउट कर सकते हैं, या टेलीग्राम या जहां पे भी आप फीजिबल समझे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जहां पे भी आप अवेलेबल हो वहां से अपने डाउट्स हमसे क्लियर आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना आज का सेट नंबर टू, वो है हमारा केसलेट डीआई। अब गाइस ये वाला डीआई बहुत ही अच्छा है, एग्जैक्टली उसी लेवल का है जिस लेवल के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइस हम ऑलरेडी बहुत सारे केसलेट डीआई कर चुके हैं अभी तक अपने चैनल पे, तो ये वाला डीआई जो है ये मैं रख रहा हूं आप लोगों के लिए होमवर्क सेट। ये वाला सेट आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस सेट को अच्छे से पढ़ लो, इसके क्वेश्चंस आगे आपको दिखा दूंगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फाइन, और उनके सारे के सारे आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फाइन। चलो आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं इस केसलेट डीआई के साथ। सो गाइस ये रहा इस केसलेट डीआई का क्वेश्चन नंबर 1 और अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। गाइस इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के साथ साथ इस वीडियो के बाद मैं इस पूरी क्लास का पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो अगर कुछ भी डाउट रहता है तो वहां से भी जाके उस क्लास को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लो एंड क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस यहाँ पे आज की अपनी क्लास को एंड करते हैं। दोनों ही सेट्स देख लिए हैं, पहला सेट आपने हमने साथ में सॉल्व करा है, दूसरा सेट आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरूर सॉल्व करना, एग्जैक्टली एग्जामिनेशन लेवल के क्वेश्चन है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो हमसे क्लियर आउट करें, कुछ भी डाउट होता है तो हमसे क्लैरिफाई करें। अगर सारे आंसर आ जाते हैं तो हमें बताएं, हम आपको क्रॉस चेक करके बताएंगे कि आपके आंसर सही हैं या नहीं, और वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से आंसर देख के भी देख सकते हैं कि आपके सारे आंसर सही आए हैं कि नहीं। ठीक है गाइस, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को थैंक यू, अगर अभी तक नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और बेल आइकन भी हिट करें जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा, बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आगे लाइंड अप हैं और आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारे सरप्राइजेस रखे हैं आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक